श्रीमती रामानुजाय महंत। हमारा पहला भाषण में योग शब्द का अर्थ एवं योग में जो जो विभिन्न पद्धति और विभिन्न अनुष्ठान का विलक्षण भी हम बताए थे, और अभी तो विनियोग, अभियोग, संयोग, उद्योग, वियोग सब बहुत प्रकार का प्रयोग होता है। योग का तात्पर्य मूलत तो यही है, युज धातु से वो तो उत्पन्न है, जिसे प्राप्तव्य वस्तु नहीं तो प्राप्य वस्तु के साथ मिलना, वो गति को योग कहते हैं। जो शास्त्र में पुरुषार्थ बताया था, ऐसा धर्मार्थ का मोक्ष, ऐसा विभिन्न वातावरण नहीं तो विविध प्रकरणों में ऐसा शरीर आरोग्य, आत्मज्ञान का विकास, तत्व ज्ञान का अवबोधन एवं शरीर की तंदुरुस्ती, मन की प्रशांति और कुटुंब और बंधु बांधव्य में ऐक्य भाव और समाज में कल्याण और सोदर भाव, ये सब तो सब पुरुषार्थ है। कौटुंबिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सब बहुत प्रकार में बहुत बहुत हमारा अभीप्सित बोलते हैं शास्त्र में, वो तो अभीप्सित मैंने जिसके पास हमारी अभीप्सा है प्राप्ति करने के लिए, बहुत इच्छा होती है तुरंत, और अविच्छिन्न इच्छा जिस पर जिसके ऊपर होती है उसको अभीप्सित बोलते हैं। इसे योग तो सब लोगों के लिए उनका जो जो प्राप्य वस्तु है वो तो वीर्य, विजय, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, ऐक्य, समभाव, शांति, ये सब तो बहुत प्राप्तव्य है, इसको इष्ट बोलते हैं। वो इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट वस्तु का क्षय के लिए, अनिष्ट वस्तु जो वस्तु हमको इष्ट है उसे विरोधित विरुद्ध वस्तु को हम अनिष्ट बोलते हैं। ऐसा क्षय, विरोध, व्याधि, दुर्भिक्ष एवं मंत्र, यंत्र, तंत्र, विष, अभिचार, शून्य, कलह, युद्ध, ये सब तो अनिष्ट पदार्थ है। प्रति व्यक्ति का हो, नहीं तो एक व्यक्ति का समूह ऐसा कुटुंब में हो, नहीं तो एक स्थल का, प्रांत का हो, पूरी दुनिया का हो, एक सामान्य मनुष्य से प्रारंभ करके समाज पर्यंत जो जो इष्ट वस्तु है वो सब इष्ट वस्तु को प्राप्ति करने के लिए और अनुष्ट वस्तुओं का निराकरण और समूल ध्वंसन के लिए उपासना और उपाय प्राप्ति साधन का अनुष्ठान योग शास्त्र में बता दिया है। इसलिए ये तो एक मूल विषय का विचार हम करना चाहिए, जिसको हम ऑन्टोलॉजी बोले, मूल वस्तु हमको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, वो प्राप्ति करने के लिए हमारे पास क्या अधिकार है, हमारी इच्छा का लक्षण क्या है, और हमारे जो अंतर्गत विरोधी क्या है और बाह्य अवतरण में वातावरण में कौन सी विरोधी है, वो सबको ध्वंस करके ये प्राप्ति के लिए क्या सुलभ, सुकर और सुविध उपाय है, ये सब तो जानकारी करना तो मूल तत्व विचार या तो प्रारंभिक विचार हम बोलते हैं। इसलिए प्रारंभिक विचार में पहला विचार तो समय, हम जानते हैं यदि हमको एक विषय में इच्छा होता है, जैसा एक खेली, नहीं तो एक दृश्य, नहीं तो एक नाटक, नहीं तो जो कुछ हो हमारे दिल पसंद जो कार्यक्रम में, हम घड़ी नहीं देखते हैं, घड़ी को निकल के रखते थे, और जो वस्तु है ऐसा बोलते हैं दो प्रकार, इच्छा और सामर्थ्य। जिस विषय में हमको इच्छा है वो इच्छाभूत विषय में समय को हम नहीं देखते, भूख को नहीं देखते, पिपासा को नहीं देखते, बंधु लोगों को नहीं देखते, और चेन्नई में यह तो संभव सही हुआ था, जिसमें लगभग एक महीने डेढ़ महीने के पहले एक घर में आके, घर में सब दरवाजे वो खोल के रखा था किसी के इंतजार पर, एक आदमी एक चोर आके सब लेके गए, वो आदमी टीवी देख के बैठे, वो तो वो आदमी का घर बंद होने के समय तो चोर लोग आते हैं, वो तो दूसरी बात है, नहीं तो यहाँ एक आदमी तो उपस्थित है वहाँ, लेकिन टीवी में तो कुछ धारावाहिक देख रहे हैं तो पहली देख रहे हैं मालूम नहीं है, लेकिन ये संभव तो हुआ है। इसलिए जिस विषय में अपरिमित इच्छा का प्रवाह है, वो इच्छा प्रवाह क्या करता है, तत्परत्व, तदन्य विस्मृति,
तदेकी भूतत्व, ये सब तीन गुण की व्युत्पत्ति हो जाती है। तब परत्व में जो वस्तु को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, अनुभूति में डाल रहे हैं, इंद्रिय सन्निकर्ष में कर रहे हैं, वो वस्तु में तत्परत्व होता है, वो एक ही वस्तु पर ध्यान होता है, वो पहला स्थिति है। वो दूसरी स्थिति में वो वस्तु से अलावा जो कुछ है इसे बहुत माननीय है, गणनीय है और योग्य है, वो जो कुछ भी पढ़ाई भी हो और माँ बाप हो, भार्य और बच्चे लोग जो भी हो, और ये तुरंत ध्यान और ये आकर्षण से दूसरे कोई वस्तु है, हमारे संबंधित वस्तु सबको भूल जाते हैं। और तदेक भूतत्व, तद अंतर्भूतत्व में वो वस्तु में हम एक अद्वैत भाव से वो वस्तु के साथ हम मिलन हो जाते हैं। ये तो हो सकता है सबको है दुनिया में, ये तो अभाव पदार्थ नहीं है, अभाव गुण नहीं है, लेकिन वो तो वास्तविक स्थिति, वास्तविक उत्कृष्ट पदार्थ में हमको नहीं है, हमारे पास तो वो गुण है। यो योग्य गुण चाहिए तत्परत्व तद अन्यत्र विस्मृति एवं तदेक भूतत्व, ये तीन गुण की संपत्ति सबके ऊपर है लेकिन उत्कृष्ट पदार्थ के ऊपर नहीं है, जो निष्कृष्ट पदार्थ के ऊपर वो सब होता है, ऐसा सामान्य क्षुद्र विषयों में। इसलिए मैंने बोला कल, जो हमको उन्नति देने के लिए तैयार है वस्तु को हम भद्र बोलते हैं, जो हमको उन्नति देती है उसको भद्र बोलते हैं, हो जो हमारी उन्नति को खंडन करके हमको नीचे गिराता है वो वस्तु को हम क्षुद्र बोलते हैं, ऐसा क्षुद्र भद्र विवाद ऐसा शास्त्र में बताया। इसलिए हमारे पास जो वो तुरंत ध्यान करना और एक ही वस्तु को लक्ष्यीकरण, ये सब तो हमारे ऊपर है वो संपत्ति, लेकिन वो संपत्ति ऐसा जो उन्नति पदार्थ है भद्र पदार्थ में नहीं है, क्षुद्र पदार्थ में है। इसलिए हमारे अंदर एक वैराग्य होना चाहिए, नहीं तो ऐसा दीप प्रज्वलन भी किया वैसा हमारे जो वैराग्य दीप जो मंद स्थिति में, सुप्त स्थिति में, मूर्छित अवस्था पर हमारे अंतर्गत है, उसका प्रज्वलन करने के लिए एक अधिकार ज्ञान वैराग्य और तेजोयुक्त एक महात्मा का यदि वचन, नहीं तो स्पर्श, नहीं तो वीक्षण, नहीं तो दीक्षा, ये सब किसी साधन से उनका प्रेरणा होना चाहिए। इसलिए हमारा जो वैराग्य है उसका प्रज्वलन होगा, और जो पकड़ते हैं वो अच्छा ही पकड़ते हैं, जो आज पकड़ते हैं हमेशा पढ़ते हैं पकड़ते हैं, जो अभी कुछ पकड़े इसके धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, जिसको हम पकड़ के रखे हैं वो साधना हम करते रहेंगे, जिसके साधना करते हैं उसको प्राप्ति तो अनिवार्य है, हमारे हाथ में मिल जाएगा। इसलिए जो आप जानते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आप उत्सुक और इच्छुक भी हैं, उसके बारे में आपको अविच्छिन्न वैराग्य देने के लिए एक प्रेरणा शक्ति, एक प्रेरणा शक्ति सन्निधि में, संस्थिति में, उपस्थिति में, संबोधन में, उपबोधन में, उपदेश में, मार्गदर्शन में, व्याख्यान में, शंका परिहरण में, ज्ञान तत्व का बीज वेफल में आपके ऊपर डालने के लिए आपका अंतर्गत जो प्रज्वलन तो इसके पहले थी, वो शक्ति को पुनरुद्घाटन जीर्णोद्धारण करने के लिए हम अभी आए, ये कार्यक्रम का लक्षण मूलभूत वही है। इसलिए एक वातावरण, इच्छा अधिकार वातावरण और समय, ये तो चतुस्तंभ होते हैं। इच्छा होना चाहिए, इच्छा है तो हम सब कुछ सुनेंगे, यदि इच्छा हो सकता है फिर भी इच्छा के साथ हमको सामर्थ्य भी होना चाहिए, बहुत कुछ विषय में ज्ञान में, ज्ञान इसको शास्त्र में बोलते हैं उपाय में इच्छा और उपेय में इच्छा। किस में? उपेय में, जैसा जो पढ़ाई में आता है वो मानव को, वो छात्र को पढ़ाई में तो ज़्यादा इच्छा नहीं होती है, लेकिन पढ़ाई का फल है ना, वो फल क्या है? पढ़ाई का फल तो एक पत्र लेना, अधिकार लेना, अधिकार से उद्योग लेना, नौकरी से संपादन, संपादन से संपत्ति, संपत्ति से सुख, सुख से भोग, ये सब प्राप्त करने के लिए वो तो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में उनको अभिरुचि ज़्यादा लोग को नहीं है, इसलिए उपेय रुचि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपेय रुचि। ऐसा एक पदार्थ को हम लेते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई तो मीठी नहीं है, क्यों लेते हैं? हमको तंदुरुस्ती, आरोग्य तो मीठी है, वो आरोग्य प्राप्त करने के लिए वो दवाई लेते हैं। इसलिए उद्योग में, उद्योग बुद्धि में और अभ्यास में तो इच्छा नहीं है, लेकिन अभ्यास का फल में तो इच्छा है। यदि वो तो औद्योगिक वातावरण हो, आभ्यासिक वातावरण हो, औद्योगिक वातावरण हो, उसमें उपेय के ऊपर हमारी दृष्टि है और हमारी इच्छा भी है, और उपाय वो साधनों हम ऐसा दंत ग्रस्त करके वो काम तो कर देते हैं, दिल से नहीं करते हैं। इसलिए शास्त्र में इसको बोलते हैं अवबोधन, बोलते हैं अवबोधन। अवबोधन का लक्षण क्या है? अवबोधन का लक्षण ये है, दो प्रकार की शक्ति है, हित शक्ति और प्रिय शक्ति। इसलिए सब लोगों को प्रिय का लक्षण ये बताया शास्त्र में,
विवेक से हमारा जो हित कामना के लिए नहीं तो हित कामना सिद्धि के लिए जो उपाय होता है उस उपाय पर प्रीति डालना, इसको क्या बोलते हैं? इसका उपमान भी अच्छा बता दिया शास्त्र ने, जैसा जारगर्भ इव स्त्रियः, ऐसा एक शादी संस्कार होना चाहिए, भक्ता और भार्या ऐसा एक लक्षण होना चाहिए, फिर तो शिशुपत्ति होना चाहिए, ऐसा एक आदमी को हित ज्ञान होना चाहिए, जो वस्तु हमारा कल्याण के लिए है वो वस्तु के पहले समझना, वो समझने के बाद ही इसके ऊपर प्रीति डालना है। अभी तो दुनिया में ऐसा नहीं है, प्रीति का लक्षण तो अभी परिवर्तित है, ऐसा हमको जो वस्तु प्रीतिपूर्वक है वो वस्तु तो हमारे ऊपर आ जाता है और उसको हम हित मानते हैं। दो प्रकार का दोष है, पहला दोष तो जो वस्तु हमको बहुत प्रीत है, अभिप्रीत है, वो वस्तु को हम हित मानते हैं, और दूसरा तो हित समझने के पहले प्रीति का उत्पादन हम कर देते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया पहले हित ज्ञान दे दो। जैसे अज्ञान दशा में, सात उम्र पर तो अज्ञान दशा है, जैसा शास्त्र में बताया तीन समय संदर्भ है आपको ऐसा गुण निवेदन के लिए, गुण संस्थान के लिए, ऐसा ये कारागृह और उपग्रह और प्रासाद, ये सबका निर्माण शास्त्र बताया। ऐसा निर्माण का आधार पूर्व भूतक हमारी बोध जो संस्कार संसिद्धि है उसको पहले शास्त्र में बताया कि तीन अवस्था में इसको आधार तम बना सकते हैं। पहला अवस्था तो प्रीनेटल, अंग्रेजी में बोलते हैं जन्म पूर्वक, और दूसरा तो गर्भ संस्कार, तीसरा तो जात संस्कार। इसलिए शास्त्र में बताता है जब एक बच्चे की विपत्ति होने के पहले शत प्रतिशत उनका गुण निर्वहन, उनका लक्षण वो सब हमारा संकल्प से कर सकते हैं। जैसा गर्भ है उधर में वो गर्भावस्था में है तब तो हम 70 से अधिक प्रतिशत इसका गुण लक्षण स्वरूप रूप वैभूति विभूति कल्याण प्रक्रिया आचार अनुष्ठान योग सिद्धि ये सबके बारे में बहुत ऐहिक तो आनुष्मिक हो आध्यात्मिक हो वो सबके बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। वो शिशु की उत्पत्ति के बाद सात उम्र तक उपनयन संकल्प तक हम तो इसके बारे में पचास प्रतिशत उसका निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए प्रेरणा निर्वहन परिवर्तन भेदन यथेचा स्थापन गुण निवेदन ये सब तो वो आदमी का जन्म के पहले बहुत कर सकते हैं। वो जन्म वृद्धि गर्भवीर में होने के समय में बहुत कुछ कर सकते हैं, और जन्म से वो अज्ञान दशा तक जब तक वो विवेक बुद्धि नहीं होगी, 7 साल के ऊपर तो विवेक बुद्धि, अभी तो 4-3 साल में तो विवेक बुद्धि चल जाता आ जाता है, वो 7 उम्र था जब तक विवेक बुद्धि नहीं थी उस समय पर वो गुणों का निर्वहन नहीं तो परिकल्पन हम कर सकते हैं, स्वतंत्र से कर सकते हैं। फिर उम्र बढ़ाने के समय में वो करने का बहुत संदर्भ तो कम होता है, विपरीत भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र में बताया समय कब करना है। इसलिए हमारा पहला दोष ये है कि दुनिया में बहुत अनुभव करके बहुत जान करके, हम तो सफ़ेद कागज नहीं है, हम बहुत लिख के फिर मार के इसके ऊपर लिख के इधर बहुत कुछ है, लेखन प्रतिलेखन आलेखन इधर बहुत किए हैं। इसलिए हम उम्र में अनुभव में हम तो निष्कलंक नहीं है उम्र में ज़्यादा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इच्छा और सामर्थ्य। यदि इच्छा है सामर्थ्य कम हो जाता है। एक वस्तु ऐसा बहुत शास्त्र में विधि प्रक्रिया और तार्किक रूप में हम कुछ प्रसंग दे देंगे तो यदि कोई तर्क ज्ञान में इच्छुक नहीं है और शास्त्र ज्ञान में पूर्व परिचय नहीं है, इसके पहले ये आत्मानुभूति नहीं है, वो लोगों को पहले बार समझाना बहुत मुश्किल होगा। रस पक्व बोलते हैं और आम्र पक्व बोलते हैं और नारिकेल पक्व बोलते हैं, ऐसा नारियल को आप जैसा रस पीते वैसा नहीं ले सकते, सो धीरे धीरे इसका स्वादन और इसका मिलन तो बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। ऐसा ये समय मैंने कौन सा समय है? अभी तो एक समय है, दैनिक समय है, ये समय तो हम बोलते हैं मंद समय, 11 बजे से 2 बजे तक तो मंद समय है, और 3 बजे से इस समय पर हम ऐसा बोलना चाहिए जो प्रोत्साहभूत और हास्य रस भरित और प्रदर्शन भूत, ऐसा बहुत प्रकार का प्रदर्शन है, ऐसा रूप प्रदर्शन बोलते हैं, ध्वनि प्रदर्शन बोलते हैं, हास्य भरित बोलते हैं, संगीत ऐसा कला कार्यक्रम बोलते हैं, बहुत उपमा और बहुत सारल्य लालित्य भाव से यदि कुछ बताते हैं वो तो कुछ धीरे धीरे कुछ चलेगा, ये तो भाई बहुत विषम पद से कठिन पद से यदि व्याख्यान में बहुत कठिनाई निकल के हम बोलेंगे तो किसी को भी अंदर नहीं चलेगा,
इसलिए समय का लक्षण भी देना चाहिए, जैसा ब्रह्म मुहूर्त सुबह कुछ बताएंगे तो उस समय कुछ अधिक चलेगा, और शाम में 5 बजे के बाद कुछ बताएंगे तो पद्धति वो सब, क्योंकि अभी तो प्रदर्शन ही नहीं है ना, हमारी वाणी से ही बोलना चाहिए। कोई आदमी हमको पूछा क्यों आप ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, प्रदर्शनी है, संगणक प्रदर्शनी है और चित्र प्रदर्शनी है, ये सब आप कर सकते हैं। मैंने बोला आचार्य शिष्य परंपरा में आकर्षण नहीं है, आकर्षण की बात नहीं है, वो तो शक्ति और तेज और परिवर्तन का बात है, जिसमें आचार्य उनकी कृपा से, ऐसा बोलते हैं ना, एक लक्षण मुद्रा डालना चाहिए तो उसको आग चाहिए, आग चाहिए और उसका रस, मूल रस भी चाहिए, जिससे आप उस मुद्रा को उसके ऊपर छपा सकते हैं। इसे भी यहाँ कृपा से और ज्ञान रश्मियों से, वो तो ज्ञान देना चाहिए, वो सब तो बोधक का लक्षण है, बोधक शिक्षक गुरु आचार्य अध्यापक, ये सब अलग अलग प्रकार का होता है, और अध्यापक लोग एक छोटा किताब से आपको पढ़ाएंगे और चित्र प्रक्रिया से कोई लोग पढ़ाएंगे, वो सब तो अलग है, और गुरु शिष्य संप्रदाय में जो आकर्षण होता है, जो बल होता है, जो सारण्य जो सौलभ्य होता है, वो सब आचार्य उनकी कृपा से, नहीं तो उनकी वाणी से, नहीं तो उनका जो प्रदर्शन है उससे ही लाना पड़ेगा। आचार्य और शिष्य के मध्य में किताब नहीं होगा, कोई यंत्र नहीं होगा, दूसरी पद्धति नहीं तो उपाय नहीं, कभी भी नहीं होगा, सिर्फ ये शिष्य का जो समर्पण भाव और ज्ञान में जो अभिरुचि है और आचार्य के पास जो प्रतिपत्ति है और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो पिपासा है, वो सब प्राप्ति हेतु भूत गुण है शिष्य के पास, और शिष्यों का उद्धरण की कामना और जगत कल्याण में जो अभिरुचि है, भगवत भक्ति सेवा भाव और ज्ञान का विकास, ये सब आचार्य का गुण है शिष्य का उद्धारण के, ये सब तो साधन है, ये सब तो साधन नहीं है, जो ये ध्वनिवर्धनी ये साधन है, रूप प्रदर्शनी एक साधन है, चित्र फलक एक साधन है, लेखनी फलक एक साधन है, वो सब तो साधन नहीं है, ज्ञान अभिरुचि भक्ति वैराग्य अभ्यास तपस्या योग ये सब तो साधन ही है। आधुनिक जो सार्वजनिक साधन है उससे तो ये काम नहीं होगा, जो प्राचीन साधन उससे करना चाहिए, पहला विषय। दूसरा तो समय मैंने बोल दिया, दूसरा तो एक समय में यदि आधा घंटा के लिए नहीं तो एक घंटा के लिए एक सभा मंडप में हम उपस्थित होकर कुछ ना कुछ बताएंगे तो वो पूरा नहीं बता सकते, पूरा विषय नहीं बता सकते, इसलिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ घोड़ा जैसा हम जल्दी जल्दी सब बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक न्याय है, हमारे दिल में न्याय है, जो शीर्षक हमको दिए हैं मुझे बात करने के लिए उसके ऊपर हम कुछ ध्यान रख के उसमें एक परिपूर्ण भाव रेखा रूपरेखा हम बोलना ही चाहिए, इसलिए समय तो बहुत कम देते हैं, इसलिए उसी समय पर वो समय के वजह से हम विषय को कम नहीं कर सकते और विषय के वजह से वो समय भी ज़्यादा नहीं वो दे सकते, क्योंकि वो सार्वजनिक प्रोग्राम है, सार्वजनिक कार्यक्रम में बहुत लोग, इसलिए हम बोलते हैं इसको बोलते हैं ईशत प्रदर्शन, जैसा समाज में जो वस्तु पदार्थों को बेचते हैं वो तो एक पदार्थ का सैंपल बोलते हैं ना, प्रदर्शन वो तो ईशत प्रदर्शन बोलते हैं, एक सिनेमा है उसका ईशत प्रदर्शन को ट्रेलर बोलते हैं, और एक पदार्थ है एक कमोडिटी है उसका ईशत प्रदर्शन को सैंपल बोलते हैं, इसलिए इसका ईशक प्रदर्शन एक घंटा नहीं तो आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट जब समय वो देते हैं जितना देते हैं उस पर हम तुरंत बता देते हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि वो सुन के यदि उसका मूल अर्थ में इतना होता है इसका विस्तार में कितना लाभ होगा, इसलिए इसके बारे में हम अनुवर्तन करना चाहिए फॉलो अप, इसलिए सब लोगों के ऊपर एक ज्ञान का विकास के लिए वो वस्तु में एक आविर्भाव होने के लिए और वो वस्तु का विस्तार समझ के फिर बार बार इसका अनुवर्तन पीछे पढ़ना चाहता है, पीछे पीछे आचार्य के पीछे पढ़ना चाहता है, उसके उसके बारे में भी पीछे पढ़ना चाहता है, सो इसके लिए एक इनका जो रुचि रहता है इनकी उसका प्रज्वलन के लिए उसका उद्घाटन के लिए उसका विस्तार के लिए कुछ बताते हैं, इसलिए आप ये समझना चाहिए इसका क्या बोलते हैं प्रदर्शन पद्धति या परंपरा, इसको क्या बोलते हैं प्रदर्शन पद्धति या परंपरा, प्रदर्शन परंपरा है जो आप अभी सुनते हैं आपकी पूरी जिंदगी में अभ्यास करना चाहिए, एक दिन के लिए नहीं, एक मास के लिए नहीं, एक मंडल के लिए, ये ज्ञान जो होता है वो ज्ञान अनुष्ठान तो पूरी जिंदगी में करना चाहिए, यावधायु मरण पर्यंत करना चाहिए, इसका तीन प्रकार का वो व्यापक लक्षण बोलते हैं शास्त्र में, सो क्या बोलते हैं व्याप्ति बोलते हैं, अंतर्व्याप्ति बहिर्व्याप्ति आघात व्याप्ति, अंतर्व्याप्ति मैंने जो आप सुन रहे हैं वो बहुत कुछ सुनना चाहिए, आघात व्याप्ति मैंने जो कुछ आप ले रहे हैं
दिल के बहुत अंदर अभिस्पल बोलते हैं ना, वो अज्ञात देश में रख के हमेशा करना चाहिए। बहिर्व्याप्ति में जो आप लेते हैं वो ज्ञान आपको बच्चा को देना चाहिए। जैसा आपकी संपत्ति, आपकी प्राकृतिक संपत्ति बच्चे लोगों को जाता है, वैसे ही आध्यात्मिक संपत्ति जाता है। आपका घर है, आपकी खेती है, आपकी भूमि है, वो सब आपको बच्चे लोगों को जाता है ना, वैसे ही आध्यात्मिक आध्यात्मिक अभ्यास भी आपके जो बच्चे लोग हैं और सब लोगों को जाना चाहिए। आपका जो मित्र लोग हैं, बंधु लोग हैं और हिताकांक्षित हैं और आपके जो बच्चे लोग परंपरा भी है, वो सब लोगों को इसका वितरण करना पड़ेगा। इसलिए ये तो पूर्ण आयुष का अभ्यास है, ये पूर्ण आयुष अभ्यास का एक उपाय है। सिर्फ 20 मिनट में नहीं बता सकते हैं। यदि वो आदमी 20 मिनट में बताएगा, फिर भी 20 मिनट में वो आदमी धारण करके अनुष्ठान में नहीं कर सकते। इसलिए एक परंपरा करना चाहिए। क्या वो परंपरा? पूर्ण आयुष का एक अनुष्ठान के लिए 5 साल की दीक्षा लेना पड़ेगा। वो 5 साल की दीक्षा लेने के लिए 1 साल का इसका प्रारंभिक दीक्षा लेना पड़ेगा। 1 साल दीक्षा लेने के लिए एक मंडल या 1 महीने का दीक्षा लेना पड़ेगा। 1 महीने का दीक्षा लेने के लिए 1 या 2 दिन बैठ के वो दीक्षा का सब विचार करना चाहिए। ये 1 या 2 दिन बैठने के लिए विचार करने के लिए 1 घंटे बताना चाहिए, वो 1 घंटे पहले बता दिए। 15-20 मिनट जो बात किए हैं वो तो प्रथम परंपरा का जो प्रथम भाव है, तो प्रथम श्रेणी है। पहले बैठ के बात की है 20 मिनट, आगे क्या करना पड़ेगा इसके लिए हम 20 मिनट बैठ के बात की, हम दोनों बैठ के, फिर उस पर आधारित 1 घंटे हम बात किए वहाँ के योग शिविर में। और ये तो 2 दिन की बात है, 2 दिन की बात में 1 मंडल का जो अनुष्ठान है, नहीं तो 1 महीने की दीक्षा है, इसके बारे में विस्तार करता है। वो अनुष्ठान करने के बाद 1 साल, फिर 5 साल, लगभग 10 साल का अभ्यास होना चाहिए योग सिद्धि के लिए। लेकिन तुरंत एक ही स्थिति में सब लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो दिल से नहीं तो शरीर से बुद्धि से तैयार नहीं है। इसलिए धीरे धीरे उसको तैयार करने के लिए बहुत विभाग करके बहुत समयों में कुछ न कुछ ऐसा तो बोलते हैं ना, पिपीलिका है, पिपीलिका मैंने एंट, इसको देना तो बहुत कम देना है, वो गज है ना हाथी तो बहुत लेगी। इसलिए उसका स्वीकरण शक्ति, उसका वातावरण और उसका जो इच्छा, ये सब पर आधारित उनको देना चाहिए। इसलिए ये क्लास जो शिक्षण दे रहे हैं, शिक्षण पद्धति भी 2 प्रकार की होगी, क्योंकि वो तो सार्वजनिक सब लोगों के लिए जो जो बोलना है वो अलग है। प्रत्येक आदमी का बहुत कल्याण गुण होता है और हेय गुण भी होता है, विस्मृति होती है और आतंक होता है और अनभ्यास होता है। कोई आदमी को तो स्वीकरण शक्ति अधिक होगी। इसलिए ये शाम का जो सेक्शन होता है, ये सायंकाल का जो हमारा शिक्षण विभाग में, सब लोगों का सामयिक सांदर्भिक दृष्टि और उनका अनुष्ठान समर्थता के बारे में कुछ हम पूछना चाहते हैं, जिस पर आधारित उनको अलग कुछ हम बोल सकते हैं। इसलिए यदि एक दिन 2 दिन हमको दूसरा काम नहीं है, यहाँ ही बैठना चाहिए। एम्बियंस के बारे में एक लेक्चर दिए हैं पहला स्पिरिचुअल रिट्रीट में, एक वातावरण का सौविध्य भी बहुत अनिवार्य है, जिसके बिना हमको कुछ भी नहीं होगा। यदि अभी तो खाने के लिए जाना है, अभी कोई दूसरा काम के लिए जाना हो तो फिर कुछ भी नहीं ले सकते। इसलिए अविच्छिन्न तैल धारा बोलते हैं ना, ऐसा तैल धारा, तेल की धारा, जैसे बहुत हमारा कान, आंखों और मन, ये तीन को एकत्री करके ये सुनना चाहिए, नहीं तो इसको नहीं हम रख सकते हैं दिल में और नोट भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि भाषण का वेग तो अलग है और लेखन का वेग तो अलग है, बहुत प्रकार का विभाग इसमें तो नहीं रख सकते। इसलिए यहाँ तो एक वातावरण हुआ है, वातावरण में 2 प्रकार का वातावरण है। एक तो परिस्थिति, पहले ये स्थिति में जो हवन हुआ है, भजन हुआ है, पूजन हुआ है, ध्यान हुआ है और सज्जनों का आगमन और पदार्पण हुआ है, वो सब सबसे जो वातावरण में जो कल्याणता नहीं तो मांगल्य है वो तो दूसरा है। अभी हम आके हमारा सद्भाषण में और श्रुति का भाषण में निगम, आगम, तंत्र, उपासना, मंत्र, विधि, नाद, योग, आचार, अनुष्ठान, सत्संग और गीत, जो कुछ बहुत उपाय है, ये सब साधनों में बहुत कुछ करके जो वातावरण ये भूमि में होगी उसको भी हम बढ़ाते हैं। और यदि वो वातावरण नहीं तो भी वातावरण, नूतन वातावरण की सृष्टि, व्युत्पत्ति और वृद्धि भी कर सकते हैं। इसलिए वो वातावरण में जैसा लैब में, प्रक्रियाशाला, परीक्षाशाला में उसको तापमान वो देखते हैं, लैब टेम्परेचर बोलते हैं, लैब प्रिसिशन बोलते हैं, जैसा कोई वहाँ सान्निध्य होना चाहिए। यदि एक स्थल में हम परीक्षा करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, एक उपासना करते हैं, एक अभ्यास पर हम तत्पर है, अभी सन्नद्ध है, उस जहाँ पर हम अवश्य वो वातावरण सान्निध्य और वातावरण सौलभ्य और मांगल्य का निर्वाह करना चाहिए, वो पहले भी होगी,
वो शक्ति, और हम भी हमारा ऐक्य प्रार्थना से वो कर देंगे। इसलिए अभी तो ये वातावरण और समय भी है, क्योंकि दो दिन हमने जानते हैं कि बाहर नहीं चल सकते हैं, इसलिए पहले हम तैयार होके सब हमारा काम पूरी करके आ जाएंगे। इसलिए हमारा कान, दिल और आंख सब तैयार है, देखने के लिए, सुनने के लिए और रखने के लिए और अनुष्ठान फिर करने के लिए हम तो तैयार होके आए। और यहाँ भी बहुत उपद्रव है, यहाँ भी बहुत उपद्रव है, जैसा मोबाइल फोन ये तो बहुत कुछ है, है? इसलिए दूरभाषण में भाषण करना, और यहाँ तो हम उपस्थित हैं लेकिन हमारा मन का परिक्रमण में यहाँ वहाँ हो रहा, हुआ आदमी को बुलाए हुआ आया नहीं, ये सब बहुत प्रकार की विचिंता भी हो सकती है। वो सबको हम निकाल के यदि 5 मिनट, इसलिए शांति को शास्त्र में बोलते हैं सिर्फ 1 मिनट शांति में रहो, वो बहुत बड़ा काम है। वो 1 मिनट शांति में रहने के समय में जितनी शक्ति आपको अंतः प्रविष्ट हो सकती है, जिससे हम 1 घंटे 2 घंटे तक शांति की शक्ति को रख सकते हैं। फिर दूसरा, यह भी परंपरा है, फिर 1 घंटे शांति होने के समय में हम इतना चिंतन कर सकते हैं जिसमें 1 साल तक हम शांत परितृप्त और प्रशांत हो सकते हैं। यदि आकर एक आदमी 1 साल की शांति उपासना में सिद्ध हो गए, वो आदमी दूसरों को भी शांति दे सकता है, दुनिया को भी शांति दे सकता है, और आज से कल तक, कल से परसों तक सब लोगों को शांति का वितरण करने में समर्थ होगा। इसलिए जो कुछ हमको चाहिए वो इतना ही लेना, जैसे 10,000 हमको चाहिए तो हम बैंक में 1,000 दे के मार्जिनल डिपॉजिट बोलते हैं। इसलिए एक प्रारंभिक वितरण से ही हम वो मूल वस्तु की प्राप्ति हो सकते हैं। इसलिए यहाँ भी जितने कम हम डालते हैं वो व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन अब तो वो परंपरा में आना चाहिए, वो पद्धति में आना चाहिए। पद्धति में आएंगे तो एक क्षण की शांति और एक क्षण का ध्यान भी व्यर्थ नहीं होगा कभी भी, क्योंकि एक क्षण से जो प्राप्त हुआ, एक आचार्य है ना पकड़ने के लिए, आपको हाथ पकड़ के ले जाने के लिए एक आचार्य है, एक परंपरा है, एक पद्धति है, आपको 3 प्रकार का उपयोग और सहयोग है। एक तो शास्त्र सहयोग, दूसरा तो ईश्वर सहयोग, तीसरा तो आचार्य नहीं तो गुरु का सहयोग। इसलिए जितने भी आपका सहयोग, नहीं तो आपका उपासना में, आपका अनुष्ठान में आप कम हो सकते हैं, फिर भी आपको पकड़ने के लिए, आपका उद्धार के लिए और आपका परिरक्षण के लिए 3 लोग तैयार है। वो 3 लोग, जो लोग तैयार है आपके लिए, वो 3 लोग का सहयोग के लिए आपको योग्यता होना चाहिए। पूर्ण योग्यता आवश्यकता नहीं है, पूर्ण योग्यता नहीं तो सामर्थ्य का आवश्यकता आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो तैयार है, शास्त्र तो इसके लिए, भगवान का अवतार, आचार्य का अवतार और शास्त्र का उत्पादन और शास्त्र का प्रचार, ये 3 तो इसके लिए हुआ है। इसलिए यहाँ तो एक वातावरण रख के हम आए हैं, ये तो वातावरण है, एक समय भी रख के हम आए हैं, और आपके पास 2 होना चाहिए, इच्छा और सामर्थ्य। इच्छा तो होगी क्योंकि कुछ ना कुछ जानने के लिए, करने के लिए, जिंदगी में कुछ बढ़ाने के लिए आप लोग आए हैं, और योग शास्त्र में जितने लोग आए हैं वो अभी 2 विषय से अभी भीत हुए। एक तो शरीर अनारोग्य से बहुत बाधित है, और दूसरे तो सिर्फ मन का विकास, बुद्धि का विकास, ऐसा कोई विषय में आधुनिक, नहीं तो क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सांसर्गिक विषय में अभी तो ग्रस्त है, वो लोग अभी आते हैं। योग में सब लोग मोक्ष के लिए, नहीं तो भगवत साक्षात के लिए सब लोग नहीं आएंगे। इसलिए लोग जो जो भी योग में आए हैं, योग तो अभी हम, मैंने बोला योग तो अभी विकलांग स्थिति में प्राप्त हुई योग विद्या, क्योंकि योग में यम नियम का अनुष्ठान कोई भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक प्रसंग में मैं बोला यदि आ रहे हैं इसलिए मैंने एक प्रसंग में मैं बोला यदि आप एक दुकान से टीवी लेंगे, वो टीवी लेने वाले को एक कैमरा दे देंगे, वो तो एक निर्बंधित है, वो तो एक निर्बंधित दान है। जो आदमी ये टीवी को ले रहा दूरदर्शनी, उनको ये छायाचित्र गृहिणी तो निःशुल्क मिल जाता, आप वहां जाके आए तो निःशुल्क है ना, ये अकेला हमको अलग करके दीजिए, ये सब बोलेंगे तो क्या करेंगे, नहीं देंगे, क्योंकि वो तो निर्बंधित वितरण। इसलिए शास्त्र में, योग शास्त्र में जो जो शरीर आरोग्य और मन शांति और बुद्धि का विकास और ईश्वर साक्षात्कार या मोक्ष, योग शास्त्र में जो जो दिया है वो सब जिसके पास यम नियम आदि गुण है उनको वो अधिकार है, जिसके पास वो गुण नहीं है उसको वो अधिकार नहीं है। इसलिए योग में सब लोग खान मैंने जिसको एक ही आंख है उसको खान बोलते हैं शास्त्र में, इसलिए सब लोग अभी योग शास्त्र में कान ही है। इसलिए शास्त्र में एक बताया और आधुनिक आदमी भी एक बताया, एडमंड बर्क ने बताया, एवरीबडी टॉक्स अबाउट द राइट्स, दे आर नॉट बॉदर अबाउट द ड्यूटीज, ऐसा उन्होंने बताया। सब लोग क्या लेना है योग शास्त्र से, क्या लेना है वो सब विषय में सब लोग बहुत इच्छुक है, और योग शास्त्र हमसे क्या इंतजार में है, क्या हम करना चाहिए वो योग प्राप्ति के लिए
वो योग्य संपत्ति की प्राप्ति के लिए हमारे ऊपर क्या अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार के विषय में सब दूर हो जाते हैं। इसलिए अभी वातावरण और समय हम निश्चित किए हैं, इच्छा और सामर्थ्य होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला, आज भी सुबह बोला था, एक अच्छा एक प्रबंधक, नहीं तो एक आचार्य जो कुछ प्रबंधक भी हो, उसका अधिकार 5 प्रकार का है। इट इज आइडेंटिफाइंग द टैलेंट्स, कल्टिवेटिंग द टैलेंट्स, कस्टमाइजिंग द टैलेंट्स, बूस्टिंग द टैलेंट्स एंड डायरेक्टिंग द टैलेंट्स। ये सब मैंने अधिकार के बारे में बताया। इसलिए एक आचार्य है, एक प्रबंधक है, उसका काम भी 5 प्रकार है। एक आदमी के पास इच्छा और सामर्थ्य है तो उसका बढ़ाने वाला आचार्य है, बहुत कम है तो वो बढ़ाते हैं, उसको वो नहीं है तो उसका उत्पादन करने को आचार्य काम है। स्वामी जी हमको इच्छा है, बहुत कुछ है, मंद इच्छा है, ऐसा बोलेंगे तो उसका बढ़ाने भी आचार्य का कर्तव्य है। इसलिए आचार्य तो इतना अधिकार संपन्न है कि वो आपके पास इच्छा सामर्थ्य नहीं हो तो उसका उत्पादन करेंगे, बहुत कुछ है तो उसको बढ़ाएंगे, वो विपरीत हो तो सही रास्ता पर वो डालेंगे, उसको हमेशा सुरक्षा भी करेंगे, वो अधिकार क्रिया रूप में, क्रिया सिद्धि में आने के लिए भी कोशिश करेंगे, सहयोग करेंगे, वो तो आचार्य का लक्षण है। इसलिए जैसे हम विद्युत को पकड़ते हैं, करंट को पकड़ते हैं, हम पकड़ने के बाद यदि हम इसको छोड़ने के लिए तैयार है, वो हमको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। वैसे एक आचार्य का शरण द्वंद्व में यदि हम अज्ञान से, ज्ञान से, अल्प ज्ञान से, विपरीत ज्ञान से, नहीं दूसरे कोई वस्तुओं की प्राप्ति के लिए क्षुद्र विषयों में, पुरुषार्थ में अपेक्षित होकर भी उनके शरण द्वंद्व में हम जाते हैं तो आचार्य ऐसा नहीं करेगा, वो तुम पूछ लिए इसलिए हम दे दिए, ऐसा आचार्य नहीं देगा। वो तो देवता, नहीं तो यक्षिणी, नहीं तो पिशाच, भूत प्रेत, वो सब तो ऐसा दे सकते हैं, आचार्य तो माता तुल्य। इसलिए शास्त्र में बताया, बालम अग्नो पतन तम तो माता किम निवारयेत् याचितोपि सदा भक्तेहि ना हितम कार्ये धरिहि। ऐसा एक बच्चा तो छोटी उम्र में अज्ञान अवस्था में पूछता है, ये आग बहुत सुंदर है इसलिए हम पकड़ना चाहते हैं, इस समय में माता क्या करे, हो तुम पकड़ना चाहती हो, नहीं तो तुम रोती हो, जाओ पकड़ो, ऐसा नहीं अनुमति देती है। माता किम्न निवारयेत्, माता इससे निवारण करता है। इसलिए शास्त्र में ये जानना चाहिए, परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से बहुत परिवर्तन होना चाहिए। योग शास्त्र में सब लोग बोलते हैं हमको वो होना चाहिए, होना चाहिए, उसके लिए बहुत प्रकार का परिवर्तन हमारे अंदर ही होना चाहिए। दोष तो हमारे ऊपर बहुत है, वातावरण में भी कलमश है लेकिन दोष हमारे ऊपर बहुत है। इसलिए इसका सारांश ये है कि आचार्य उनका शरण द्वंद्व में प्राप्ति करने के समय में, समर्पण करने के समय में हमारे ऊपर जो दोष होता है, दोष का निकलने वाला भी वही है, और ये सद्गुण का संपत्ति। ऐसा इसको क्या बोलते हैं, मांस कामन न्याय बोलते हैं। मांस जानते हैं ना पामिस, वो मांस में गंध रुचि दोनों भी नहीं है। मांस में गंध है क्या? नहीं है। मांस में रुचि भी नहीं है, और सब जो मांसाहारी वो प्राणियों का वो आहार है इसलिए वो खाते हैं। मांस में गंध नहीं है और रुचि भी नहीं है। ये लोग जो मांस कामी है वो लोग रुचि के लिए नारियल उसको कुछ डालते हैं, और मांस के ऊपर तो गंध भी नहीं है इसलिए इलायची लवंग ये सब डाल के वो लोग खाते हैं। इसलिए ये गुण शून्य एक व्यक्ति पूर्ण भाव से समर्पण कर रहा है आचार्य, इसके ऊपर जो गंध होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, वो सब वही करेगा। इसलिए हमारे ऊपर जो जो दुर्गंध है उसका निकलने वाला, और जो जो सुगंध चाहिए वो सब डालने वाला तो आचार्य है। इसलिए इच्छा और सामर्थ्य आपके ऊपर है, वो तो आचार्य का सान्निध्य से होने वाला है, और ये वातावरण, और जो मैंने बोला पहले, ये वातावरण तो होना चाहिए, और समय 2 दिन के लिए दिए हैं, उसका हम जितने ज़्यादा हम उपयोग कर सकते हैं हमारा ज्ञान प्राप्ति के लिए और शक्ति बढ़ाने के लिए उतना हम करेंगे। फिर शाम हम मिलने के समय में ये पंचोपाय मैंने बताया, जैसा पंच प्रक्रिया है, पंचकर्म आयुर्वेद में बताते हैं ना, जैसा विरेचन, वमन प्रक्रिया एवं कीड़ा रक्त मोक्ष, ऐसा तो 5 प्रकार का कर्म तो आयुर्वेद में, ऐसा योग पद्धति में, योग शास्त्र में पंचस्तंभ का रूप में 5 प्रकार का उपाय है। पहले तो हम दे देते हैं शांति दीक्षा, शांति दीक्षा, शांति कैसे प्राप्त करना, शांति कैसे रखना, शांति और किसी से कैसे लेना, और किसी को कैसे देना, शांति अशांति होने के समय में शांति को कैसे बुलाना, और शांति को कैसे विस्तार करना, और शांति से काम करने के समय में उसका सहज दोष है अहंकार, ममकार, लोभ, स्वार्थ, ये सब आ जाएगा शांति होने के समय में भी, काम करने के समय में सहज दोष बोलते हैं। ऐसा खेती में सब सहज आता है ना, बहुत दुश्मन लोग
ऐसा कीड़ा का रूप में, स्थावर का रूप में, जानवर का रूप में, चोर का रूप में बहुत आ जाता है खेती में। ऐसे भी हमारा अंतर्भाव, अनंतर्भाव, परस्पर भाव और बहिर्भाव से बहुत हमको दुश्मन लोग आ जाते हैं, उसको कैसे हम निर्मूलन करना, ये सब तो शांति दीक्षा। दूसरी थी मेधा दीक्षा, मेधा को कैसे बढ़ाना। मेधा मैंने जो हम सुनते हैं लेते हैं उसको हम तो अनुभूति करना चाहिए, वो तो स्वादिष्ट पदार्थ है। इसलिए मैं शास्त्र में बताया ज्ञान कितना कठिन है। एक आदमी ने पूछा आप जितने बोलते हो बहुत कठिन है, वो एक सिनेमा है नहीं तो एक नाटक है, तो हास्य है, ऐसा नहीं होता। मैंने बोला सबसे स्वादिष्ट ज्ञानी है, लेकिन इसको जानकारी के लिए जो हमारा रसन नहीं तो ज्ञान रसन में है, जैसा बोलते हैं ना एक आदमी को बुखार आने के समय में ये खाना की रुचि जो जानकारी नहीं होती, वो बुखार निकलने के बाद ही वो खाने की वो अभिरुचि उनको मालूम पड़ेगा। ऐसे ही ये आदमी भी ये भव भय से बंधित है, ये भव भाव वो बुखार से वो बंधित है, रुग्ण है, इसलिए वो ज्ञान की अभिरुचि उनको मालूम नहीं होगी। जब इनको ज्ञान की अभिरुचि मालूम होगी वो करना तो आश्चर्य का काम है। ज्ञान की अभिरुचि मालूम होने के बाद जो जो स्वादिष्ट और जो जो बहुत बलिष्ठ और श्रेष्ठ पदार्थ ये मानता है वो सब मिट्टी जैसा दिखेगा उनका, जो मीठा था वो मिट्टी जैसा हो जाएगा। इसलिए वो ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए, वो रुचि के लिए मेधा दीक्षा होना चाहिए। मेधा दीक्षा बहुत अच्छा विषय है सब लोगों के लिए, उद्योग में होने वाले के, पढ़ने वालों के लिए और शास्त्र में ज्ञान प्राप्ति करने वालों के लिए, निर्वहन में होने वाले के, सबको बहुत अच्छा है। इसमें तो अल्पश्रवण, अतिश्रवण, अश्रवण, दूरग्रहण, सारग्रहण, अल्पाध्ययन, मूलाध्ययन, साराध्ययन, अनध्ययन, संशयाध्ययन, शंका परिहरण, तत्व प्राप्ति, सारांतर ग्रहण, मूलांतर ग्रहण, तत्वावबोधन, यथेच्छाबोधन, दूरदर्शन, महिभाषण, बहिभाषण, बहुभाषण, संभाषण, सुभाषण, विभाषण, एकत्र स्त्रीकरण, शास्त्र साक्षात्कार, ये सब बहुत प्रकार की सिद्धि है ये मेधा में। इसलिए LKG में जो प्रारंभ विभाग में कक्षा में जो पढ़ रहा है उनसे प्रारंभ करके, जो प्रारंभ कक्षा में पढ़ रहा है छोटा बच्चा उनसे प्रारंभ करके, जो ईश्वर साक्षात्कार में जो इच्छुक है, उत्सुक है, प्रेरक है, प्रकर्मक है, उसका पर्यंत सब प्राप्ति के लिए इसमें उपाय है मेधा दीक्षा। और तीसरा तो वित्त दीक्षा और सदाचार वृत्ति, वेल्थ मैनेजमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, आधुनिक विज्ञान में वित्त लक्ष्मी का कैसे हम आकर्षण करना दूर से, मैंने एक आंटो इकोनॉमिक्स का लेक्चर दिए उस पर वित्त का आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेल्थ, वित्त परीक्षा या तो वित्त निरीक्षण। मैंने बोला एक रुपया आपको आ जाएगा, वो एक रुपया सिर्फ एक रुपया नहीं है, वो तो क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन बोलते हैं, गौणिक परिगणन, संस्कृत में गौणिक परिगणन बोलते हैं, दार्ष्टिक परिगणन तो सामान्य रूप में दिखते हैं। एक आदमी आता है जो पांच आदमी का खाना खा सकता है, एक आदमी आ सकता है जो ये पांच आदमी का काम कर सकता है, इसको उठा सकता है, इसको ऐसा कर सकता है, ऐसा शरीर बल से, आहार बल से हम देखते हैं बहुत प्रकार। इसलिए एक आदमी को बोलेंगे तो, इसलिए मैंने बोला एक विषय तो पेपर में देना है हमारा आगमन और एक मंडप में एक फंक्शन के ऊपर, एक आदमी ने दूसरे एक आदमी को भेजा उनको बोला, मैंने बोला पत्रिका में वो एडवर्टाइजमेंट देना है, नहीं उनको यदि बोलेंगे तो 200 आदमी को कल सुबह तक पहुंचेगा वो। इसलिए एक आदमी तो एक आदमी नहीं है, दृष्टि में तो एक आदमी है, कोई आदमी एक आदमी से कम होगा, 1/10 दशांश होगा, कोई आदमी 1/100 शतांश होगा, कोई आदमी 10 गुण होगा, 8/10 दो आदमी शतगुण होगा, सहस्रगुण होगा, आयुधगुण होगा और लक्षगुण होगा। इसे एक आदमी तो एक आदमी नहीं है, इसलिए एक आदमी का अंतर्गत विषय में बहुत प्रकार है। इसलिए मेधा दीक्षा में जो एक हम लेते हैं, जो एक विषय हम लेते हैं वो विषय को हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा वित्त में भी जो विषय को हम लेते हैं वो वित्त को बढ़ा सकते हैं। इसे मैंने बताया एक रुपया आ जाता है, वो दृष्टि में तो इसका मूल्य क्या है, एक रुपया एक दुकान में दे देंगे तो एक रुपये का तुझे सामान ही देंगे, इससे अधिक नहीं है, लेकिन वो तो लक्ष्मी का सानिध्य यदि होगा उसको परिचय करने के लिए मांस चक्षुष से नहीं कर सकते, दिव्य दृष्टि से करेंगे तो वो एक रुपया 1 लाख बुला के लेके आएगा। ऐसा एक दूरदृष्टि में भी है एक रुपया जो आपके पास जो 1 लाख 2 लाख रुपये उसको निकल के बाहर लेकर चलेगा। इसलिए वित्त विज्ञान वित्त दीक्षा दे रहे हैं जिसमें हम असली जो महालक्ष्मी की कृपा को हम समझ सकते हैं और हम जानते हैं ये तो लाभ हो गया, एक ही दृष्टि में करते हैं। एक आदमी हमको 1000 रुपये मिल गया इसलिए हमको लाभ मिल गया, ऐसा नहीं है। लाभ तो एक टोटलिटेरियन
परिपूर्ण समन्वय से लाभ का गणन करना चाहिए। हमारा आरोग्य, ऐश्वर्य, अभिमान, सामाजिक गौरव और पुत्र का अभिमान और भर्ता भाग्य का अभिमान, आरोग्य बहुत दृष्टि में मिलके ही ये संपत्ति नहीं तो ऐश्वर्य का अभिमान है तो गणन करना चाहिए। सिर्फ रुपया से एक प्रक्रिया से नहीं है, इसलिए इसके लिए हम वित्त दीक्षा और सदाचार वृत्ति, सदाचार सद्गुणों की एवं आविर्भूति के लिए और सज्जनों की विभूति के लिए, सज्जनों का सत्पात्र होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यदि हमारे ऊपर नहीं है तो दूसरा आदमी हमसे ले ले, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस, इसको क्या बोलते हैं, उत्कार और बलात्कार। और हमारा जो परिश्रम से हम कुछ कर सकते हैं, यदि हम नहीं कर सकते हैं, जैसे हम एक घर बनाना चाहते हैं नहीं तो निर्माण शास्त्र तो नहीं पढ़ते हैं, कोई निर्माता होगा उनके पास दे देंगे, और बीमारी के समय में हम वैद्य वैद्य शास्त्र नहीं पढ़ते हैं किसी को दे देंगे। यदि हम विमान में होना चाहते हैं, विमान में जाना चाहते हैं, हम तो पक्षी सिद्धि नहीं लेते हैं, गगनमार्ग सिद्धि नहीं लेते हैं, ऐसा एक साधन विमान के ऊपर, इसके अंदर हम बैठ जाते हैं, ऐसा एक नावा में बैठ जाते हैं समुद्र तरण के लिए, ऐसे ही इसको बोलते हैं सदाश्रयण बोलते हैं। दो प्रकार की सिद्धि है, एक तो सदाश्रयण सिद्धि, दूसरा तो सदाचार सिद्धि। यदि आपका हाथ से करना चाहिए वो तो सदाचार सिद्धि, जो करने वाला है, जो आपको कराने के लिए समर्थ है, यदि उनके सामने हम बैठेंगे, उनके छाया में बैठेंगे तो वो तो सदाश्रयण सिद्धि। इसलिए सद आश्रयण सिद्धि से और सदाचार सिद्धि दो प्रकार है, इसलिए जिसके आश्रय में हम बैठना चाहते हैं वो दो प्रकार का हो सकता है। विभव विग्रह, जो पहले था दुनिया में अभी नहीं है, दिवंगत है, नहीं तो मोक्षगत है, वो सब तो अभी विग्रह रूप में है। ऐसे महानुभाव बहुत महर्षियों हैं जो अभी विभव दिशा में नहीं है, विग्रह दिशा में है। जो अभी जीवित है, हमारे संबंधित है, हमारे बीच आते जाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, वो सब तो विभव है। इसलिए विभव में विग्रह में बहुत रोक, इंस्पिरेशन मॉडल बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसा विभव में विग्रह में जो अभी यहाँ है, जो भी यहाँ थे, जो वहाँ है ऊपर अन्य लोगों में, वो सब लोगों का सहयोग हमको मिल सकता है। यदि एक अच्छा काम के लिए, सत्कर्म के लिए यदि आप दिल से उत्सुक है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा बोलते हैं ना, यदि आप बराबर करेंगे तो यूएसए एड मिलेगा, सरकार पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना। इसे सामाजिक दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलता है, सार्वकालिक पक्ष से सहयोग मिलता है, वैसा भी आध्यात्मिक दृष्टि में दिल से जो उत्सुक है, दिल से जो कर रहा है, बहुत आदमियों को मिलके जो कर रहा है, परस्पर भाव से, नीच भाव से जो कर रहा है, दया से, उनको जो जो अप्रत्यक्ष है सब उनको सहयोगी हो जाते हैं। ऐसा ऋषि मुनि लोक, देवता लोक, आचार्य लोक, संत लोक, महंत लोक, महापुरुष, भगवान, ये सब इनका सहयोग में पीछे बढ़ेंगे यदि दिल से वो करता है। इसलिए इसके लिए हम देते हैं सदाचार वृत्ति और वित्त लक्षण या वित्त परीक्षा विज्ञान, और हम देते हैं परानुभूति। परानुभूति में एक वस्तु की अनुभूति के लिए हमको कुछ दूसरा चाहिए, ऐसा कृमि कीटाणुओं को देखने के लिए ये चक्षु से नहीं देख सकते, ये आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए दूसरा साधन का माध्यम से ही उसको दे सकते हैं। इसलिए सारदर्शिनी, दूरदर्शिनी, अघातदर्शिनी, सूक्ष्मदर्शिनी, बृहद्दर्शिनी, ऐसा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मैक्रोस्कोप, अबिस्कोप, इतना बड़ा साधन है। ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप कैसा है, भगवत प्रसाद, भगवान का प्रसाद का रूप में खीर मिलता है, और घर में भी बना के हम खीर लेते हैं, वो दोनों एक ही तरफ दिखता है, उसमें तो नहीं। जब आप इमली को लेते हैं, जब आप छिल्ली को लेते हैं, मरीची को लेते हैं, मिर्ची मरीचिक उसको लेते हैं, जब आप लवण को लेते हैं, जब वो खीर का अनुभूति करते हैं, वो तो परानुभूति है। इसलिए परानुभूति भगवान का सान्निध्य को समझना, एक मंदिर जाएंगे तो वो मंदिर में बहुत भगवत शक्ति है, लेकिन उसको नहीं समझते हैं। तो विश्वास तो करते हैं, भक्ति तो है, आस्तिक की बुद्धि है, लेकिन परिपूर्ण रूप में उसको हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए वो पांच प्रकार होता है, भगवत स्वरूप का अनुभव, भगवत दिव्य स्वरूप का अनुभव, भगवत रूप में ने भगवान का लक्षण, भगवत दिव्य स्वरूप में ने एक बिंब नहीं तो एक चित्र, ऐसा एक रूप का अनुभव, भगवत स्वरूप और भगवत रूप। तीसरा तो भगवत प्रसाद का वैभव वो समझना, और चार भगवान तो हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है, हमारे दिल में जो अंतर्यामी है वो हमेशा हमारे साथ ही है, उनको हम नहीं समझ सकते, वो तो अंतर्यामी विज्ञान। और पांचवी अवस्था में समग्र दृष्टि, सब जगह में भगवान को देखना है। पहले तो भगवान को देखना, भगवान भगवत स्वरूप को समझना चाहिए, फिर भगवान का रूप बिंब या चित्र का रूप में उसको
उसको समझना चाहिए। और तीसरा तो भगवत संबंधित सब कुछ है, ऐसा आलय है, ऐसा गोपुर है, विमान है, पुष्करिणी है, स्थल वृक्ष है, अध्यापक है, अर्चक है, वेद पंडित है, साधु है, महात्मा है, वो सब भगवत संबंधित है, प्रसाद है, ऐसा सब विषय में भगवान को देखना, भगवत संबंधित विषय में भगवान को देखना है, चार हमारा अंतर्गत भगवान को देखना है। ये सब समझ के फिर भी समदृष्टि सब जगह में भगवान को देखने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए भगवत स्वरूप, भगवत रूप, भगवत संबंधित, भगवत अंतर्गत आविर्भाव और सर्वत्र समान समान भाव से भगवान का दर्शन करना, ये सब पांच स्थिति परानुभूति है। इसलिए ये दो दिनों में ये पांच विद्या, विद्या पंचक बोलते हैं, ये सब समझने के लिए हम जो कुछ बताते हैं वो फिर एक किताब का मंत्र का प्रकाशन नहीं कर सकते। दीक्षा तो प्रकाशन से कुछ भी नहीं समझ में आएगा, दीक्षा कैसे प्रकाशन में होगा, वो भाव से भाव का परिवर्तन तो दीक्षा है, वो तो किताब में नहीं निकाल सकते इसको, वो मंत्र से अलावा और भाव परिवर्तन के अलावा जो कुछ समझाने के लिए हम विषय बताते हैं ये सब मराठी भाषा में नहीं तो हिंदी भाषा में नहीं तो अंग्रेजी में, इसको एक पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिस पर आधारित फिर हम ये समग्र योग पद्धति, योगेश्वर ध्यान केंद्र का योग पद्धति के लिए, पूर्ण योग के लिए ये तो बृहदाकार विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया ऐसा विश्वकोश एक बनाएंगे जिससे ये समग्र योग दर्शन ये पूरे दुनिया को मिलेंगे। इसलिए मेधा दीक्षा, शांति दीक्षा, परानुभूति और सदाचार्य वृत्ति और सदाश्रयण सदाचार वृत्ति और वित्ताकर्षण नहीं तो वित्त तत्व निरीक्षण विद्या, ये सब पांच उपाय पर आधारित ये सदस्य है, ये सत्र है, ये सब तीन सत्र तो शाम और कल शाम और सुबह ऐसा तीन सत्रों में ऐसा ये पांच विद्या के बारे में हम कुछ समझाने के लिए कोशिश करेंगे और बहुत कुछ 20 या 25 मिनट बोल के फिर शंका परिहार के लिए उनसे कुछ हम पूछ लेंगे और जितना वो समझ सकता है क्या समझ लिया ये सब तो मालूम होना चाहिए, हम कुछ बोलेंगे वो दूसरा कुछ समझ के लिखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए परस्पर हमारा परिभाषण भी होना चाहिए ये सत्रों के बाद। हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा विश्व कल्याण के लिए और बहुत बड़ा ज्ञान भास्करोदय के लिए ये तो एक उषस काल है, यहाँ प्रारंभ हुआ है, ये जहाँ का कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए और ज्ञान कल्याण के लिए और हमारा कल्याण के लिए, जब तक ज्ञान का परिवर्तन और प्रयोजन नहीं होता है वो आदमी को कल्याण नहीं होगा। इसलिए शास्त्र ने बताया यदि आदमी को बेटा नहीं है उसको वंद्य बोलते हैं, वो तो गर्भित है, दूषित है। ऐसा एक आचार्य है यदि ज्ञान पुत्र एक शिष्य का उत्पादन नहीं किया तो वो तो ज्ञान वंद्य है, ऐसा एक आदमी तो है। और दूसरे एक शिशु उत्पत्ति नहीं करते तो उसको पुत्र नाम नरक मिलेगा ऐसा शास्त्र बोलता है, जिसका निवारण करना निवारण करने वाले को पुत्र और पुत्री बोलते हैं। इसलिए जो ज्ञान साधन में जो आचार्य उनका एक परंपरा नहीं स्थापन कर सकता है और दूसरे आदमी को विषयधान नहीं कर सकता है। चतुर्वेदी स्वामी अच्छा बताते हैं ये बोलने से बहुत अपमान और पाप मिलेगा, चतुर्वेदी स्वामी ने जितना अनुग्रह किया उनसे अधिक हम बता सकते हैं, वो जैसा हम भी बता सकते हैं, बहुत लोग उनकी तरफ बहुत जगह में मिल जाता है, वो तो ज्ञान का विकास है। एक निरुपमान होने के समय में हम ऐसा निरुपमान होने चाहिए, वो ज्ञान सबको देने में वो तो निरुपमान है, बोलने में निरुपमान नहीं है, वो निरुपमान स्थिति हमको आना चाहिए। हम दिल से मंगलाशासन करेंगे ये स्थल और स्थल में जो जीवित है और स्थल में जो प्रबंधक है और जो निवासक है, आवासक है और जो अभी आए सुनने के लिए और आने वाले सबको हम दिल से मंदिर मंगलाशासन करेंगे कि साक्षात कृष्ण भगवान योगेश्वर का परिपूर्ण आत्मोद्धारक पूर्वक अनुग्रह सबको ऊपर रहे। नारायण नारायण।